यूपी का मोस्ट वांटेड डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल आ चुका है और रोपड़ जेल से उसको लेकर चली थी एक एम्बुलेंस जिसके ड्राइवर शिवशंकर इस वक्त मेरे साथ में हैं। उनसे बात करेंगे और इस सफर के बारे में जानेंगे। शिवशंकर भाई, पता था किसको लेने जा रहे हैं? हाँ, पता था हमको। कौन था? मुख्तार अंसारी। उसको लेने गए थे हम रोपड़ साहब के आदेश से। अच्छा, कौन साहब? सीमा साहब। मतलब ये भी कहा जा रहा था कि उसके काफिले पर हमला हो सकता है, तो ये आपको भय नहीं लगा बिल्कुल भी कि वो एम्बुलेंस में जा रहा है हमारे साथ में और कहीं अगर हमला होता तो आपकी जान पर भी बन पड़ती? नहीं सर, ऐसा तो हमको कुछ नहीं आभास हुआ, ना हमको किसी ने कहा कि हमला होगा। अच्छा, ये पता था मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा अपराधी है? जी, अब सब लोग कहते थे तो हम भी वैसे सुनते थे। हम पहली बार तो देखे हैं, कौन पहले कभी मिले हैं। कुछ बात बात की उसने आपसे? नहीं, हमसे कोई बात नहीं की सर। अच्छा, मेडिकल स्टाफ से कुछ बात की? हाँ, उनसे अपना बात करते रहे। क्या बात कर रहे थे? अब सर इस विषय में तो वही डॉक्टर साहब बताएंगे। नहीं, मतलब फिर भी क्या पूछ रहे थे, बता रहे थे कुछ तो? खाने पीने के विषय की चर्चा हो रही थी। अच्छा, मतलब खाना पीना किस तरह का? सर वो लंच पैकेट मिले थे। अच्छा, तो क्या कह रहे थे, अच्छा है, खराब है, क्या बता रहे थे? सब लोगों ने खाया खाना। अच्छा, मुख्तार अंसारी ने भी वही खाना खाया था? जी, खाना खाया। और बुलेट प्रूफ जैकेट कही जा रही पहन कर आए थे, ऐसा था क्या? सर हमने तो नहीं देखे है, ना हमको हमारे जानकारी में है। अच्छा, वही कुर्ता पजामा पहन के जो निकले थे रोपड़ की जेल से, वही पहने हुए थे या कुछ और भी चीजें उनको दी गई थी? नहीं सर, अब अंदर क्या पहने ये तो नहीं समझ में आया है, लेकिन कुर्ता पजामा व्हाइट कलर के पहने हुए थे। अच्छा, तो रास्ते में कोई दिक्कत बताई हो, कहीं रुके हो आप लोगों से बातचीत के दौरान? नहीं सर, रुके थे कहीं? नहीं, उनको खाली एक बार जो है बाथरूम कराया गया। कहाँ पर? सट्टी थाना। जी। खाने वाने का इंतजाम नहीं हुआ था रास्ते भर? आप लोग चले हो इतना लंबा, दोपहर में निकले थे, खाने के पैकेट थे हमारे पास। अच्छा, लंच पैकेट थे। हाँ, नहीं तो उनको खाने के लिए भी तो रुकना पड़ेगा ना? नहीं, वो तो अपना गाड़ी में सब लोग खाए होंगे, हमने तो खाए नहीं। खाना नहीं खाया। कितने घंटे की पूरी यात्रा रही आपकी जब आप बांदा से निकले थे, उसके बाद से लौटे हैं, तो कितनी लंबी यात्रा थी? सर वहाँ से हम 12:30 निकले थे और यहाँ सफर 4:30 समाप्त हुआ। अच्छा, तो आपने अकेली गाड़ी चलाई या और भी आपके साथ कोई दूसरा ड्राइवर था? नहीं सर, हम चलाए गाड़ी। अच्छा, इतना लंबा सफर किया है पहले आपने? कई बार कर चुके हैं सर। कभी ऐसा डॉन आपके साथ बैठा है जो आज बैठ के जिसको लाए हो? नहीं सर, नहीं बैठा। और कुछ रास्ते की कुछ रोचक चीजें बताइए, आप तो पूरा लंबा सफर 14 घंटे का तय करके आए, कुछ तो हुआ होगा रास्ते में? नहीं सर, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, खाली वही जो है पेशाब करने के बाद जो है सट्टी थाने में उनको एम्बुलेंस अंदर लेके गई थी और वही बाथरूम करा के बाहर आई थी। अच्छा, पुलिस के लोग भी थे क्या आपकी एम्बुलेंस में मेडिकल स्टाफ के अलावा? जी सर, एक दरोगा जी थे। अच्छा, और एक हेड कांस्टेबल थे। अच्छा, तो वो वर्दी में थे, वो रोपड़ जेल से ही चले थे? हाँ, वर्दी में थे वो। नहीं, रोपड़ जेल से ही बैठे थे या बाद में कहीं? एक तो हमारे संगे यहीं से गए थे। अच्छा, और एक दरोगा जी वहीं से बैठे थे। अच्छा, दो लोग पुलिस के सवार थे आपकी एम्बुलेंस में कि कोई ऐसी घटना ना हो। अच्छा, और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे रास्ते के दौरान कुछ हुआ हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आपसे कोई भी बातचीत नहीं की? ना सर, कुछ नहीं पूछा ना। अच्छा, क्या लगता है ये सफर जो हुआ आपका 14.5 घंटे का, जिसकी चर्चा हर जगह है, क्या लगता है इस सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगे पूरा एक अगर उसमें कहें तो? अब सर, जैसे हमें आदेशित किया गया था वैसा हमने अपने नौकरी का, अपने सीट का पालन किया। तो बधाई मिली कुछ आपको कि इतना लंबा सफर तय करके और सुरक्षित, जिसको उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार लगी थी यूपी में लाने के लिए, तो उसको लेकर के आप आए हैं सब, क्योंकि आप ही ड्राइवर थे, आप ही पायलट थे, तो कुछ बधाई वधाई मिली कहीं सीएमओ से? नहीं सर। अच्छा, कुछ नहीं। किसी ने कोई तारीफ नहीं की? इतनी लंबी जर्नी करके आए हो? नहीं सर, किसी से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, हम तो कमरे में सोए हुए थे, अभी बड़े बाबू ने फोन किया, कह रहे अपना आदेश ले जाओ, ये वाला इलेक्शन वाला। अच्छा, चुनाव ड्यूटी लगी तो इसीलिए हम आए, नहीं तो हम कमरे में पड़े थे। शिवशंकर हैं जो उस एम्बुलेंस के पायलट थे जो मुख्तार अंसारी को सुरक्षित बांदा जेल लेकर आई, जिसके बारे में तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि गाड़ी पलट सकती है, हमला हो सकता है, ऐसी तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन बेहद सुरक्षित सफर किया, लंबा 14.5 घंटे तक लगातार इन्होंने गाड़ी चलाई और आखिरकार मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा तक सुरक्षित लाने में एक बड़ा रोल शिवशंकर का रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, बांदा।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।